हैप्पी टीचर्स डे। वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आप कुछ नया सीखें। हमारे जीवन का पहला शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें बोलना सिखाते हैं, हमें चलना सिखाते हैं। हमारे जीवन का पहला गुरु हमारी माता होती है। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो समाज को तराशते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित कराना भी होता है। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षक देश के भविष्य और युवाओं के जीवन को बनाने और उसे आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल से ही गुरुओं का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा है। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो चलिए आज हम यही जानते हैं। गुरु का हर एक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। शिक्षकों की इसी महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए ही हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पुरजोर कोशिशें की, जो खुद एक बेहतरीन शिक्षक थे। अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इसीलिए 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में चुना गया है। एक शिक्षक के बिना कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर आदि नहीं बन सकता। शिक्षा का असली ज्ञान सिर्फ एक शिक्षक ही दे सकता है। शिक्षक दिवस को मनाने की तिथियां अलग अलग देशों में भिन्न हैं। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप में शिक्षक दिवस को मनाने के लिए 5 अक्टूबर को चुना। अब इसलिए 100 से अधिक देशों में यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हमारे देश भारत में 5 सितंबर, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बल्कि शिक्षकों के प्रति सम्मान और लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना जगाने के लिए भी मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई में इनकी काफी रुचि थी। आरंभिक शिक्षा इनकी तिरुवल्लूर के गौड़ी स्कूल और तिरुपति मिशन स्कूल में हुई थी। फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 1916 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। वर्ष 1954 में शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें भारत सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन को दिए थे। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए इंसान के जीवन में शिक्षक बहुत जरूरी। वे भारत के उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। इन दिनों स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, उत्सव कार्यक्रम आदि होते हैं। छात्र अपने शिक्षकों को उपहार देते हैं। भारत में इसी प्रकार शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सांस्कृतिक गतिविधियां। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। शिक्षा में उनका काफी लगाव था, इसलिए संपूर्ण भारत में सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है। क्योंकि ज्ञान ही इंसान को व्यक्ति बनाता है, जीने योग जीवन देता है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जन्मदाता से बढ़कर महत्व शिक्षक का होता है और शिक्षा का होता है जीवन में। तभी तो शिक्षक छात्रों को अपने नियमों में बांधकर अच्छा इंसान बनाते हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि 5 सितंबर का दिन डॉक्टर राधाकृष्णन
के जन्मदिन के रूप में नहीं बल्कि शिक्षकों के प्रति सम्मान के रूप में मनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।